खबर है रीवा से, जहां रीवा शहर के समान थाने में फरियादी के साथ पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि पुलिस द्वारा फरियादी को थाने बुलाकर न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि अभद्रता करते हुए उसे जमीन में गाड़ देने की धमकी दी गई। थाने में हुई इस मारपीट की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इधर वीडियो के संज्ञान में आते ही एसपी ने थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है और पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। एक वीडियो आया है संज्ञान में और शिकायतकर्ता भी आया था, तो उसमें जो वीडियो पूरा देखा गया तो उसके आधार पे हमने जिस पुलिसकर्मी ने उसमें मारपीट किया उसको सस्पेंड किया जा रहा है और उसमें ये भी देखा जाएगा कि क्या गलती थी और क्यों इस तरह से कृत्य किए गए, उसकी जांच भी पूरी की जाएगी और यथा जो उसमें दंड होगा वो दिया जाएगा। जो अभी तक समझ में आया वो किसी चोरी के कोई वाहन चोरी का है, उस मामले का फरियादी है और उस मामले की वेचना को लेकर कुछ विवाद हुआ है जिसकी वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ था और इसको देखा जाएगा और जो भी जांच में तथ्य पाए उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे लड़के को देखा नहीं, माता चीर के फाड़ के फेंक देगा वहीं पर बढ़ जाए हम काले। तुमको हम सामने थे नहीं, मोबाइल में सामने गाड़ी देते तेरी फरियादी काम करी पहले मुकदमा काम करिए। तारीख मिलाए हैं, सब बता दिए पूरी बात। एसपी साहब तक बात कही है? एसपी साहब बताए खोद के गड्ढा कर देंगे। एसपी साहब तक बात गाली देना चाहिए तुमको। अरे तो सर बात तो सुनेंगे, कोई काम करने का फोन लगाया, बार 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 फोन लगा रहा बेटी बहन चोर लाऊंगा बहुत क्या हुआ था? क्या हुआ था बताओ ना। मेरे जैसे घूम देंगे उठ जाएगा बहुत सारी का पता ना चलेगा कहाँ गए। उम्र तो देखो सर, हम उम्र के लिहाज करते हैं, टाइम लगे भाई जब तक पूरी नहीं होगी। खात्मा नहीं जो चलती तब खात्मा लग रहा है, सबसे पूछताछ की जाती है कौन चोरी किया, कहाँ ले गया, कहाँ बेचा। तू आईपीएस है, मगर कलेक्टर रिटायर हो सकती है। तुम्हारी लूना गई एफ आई आर हुई सब चीज भर जान भी देख के चालू चल रही खात्मा के लिए वो लगा है प्रयास में तुरंत हो जाए। जिम्मेदारी पड़ी है तुम बताओ, तुम भी कुछ बताओगे खड़े रहो। हम कुछ पूरे सिलसिला में हमारे आदमी छाए हैं पूरे कोठुलिये में उठा दी रात को। पंपू सिंह बात जो मार मार देंगे पीट देंगे काट देंगे तेरे से करा बात तो करा किसी से भी हमारी गाड़ी चोरी हो गई थी उसकी गाड़ी चोरी नहीं तो गाड़ी बात वो खात्मा नहीं करते वहाँ तो क्या करें हम लोग फेस करते हैं जो भी कोई हो।
हमारे हाथ में है। अभी एसपी से मिल के आ रही थी आए तो, नहीं मैं एसपी के पास खड़ा नहीं होता हूँ। दरअसल थाने में फरियादी के साथ हुई मारपीट का यह वीडियो 5 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें फरियादी कुठुलिया निवासी प्रियांश कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। बताया गया कि घटना दिनांक को थाने से फोन कर उसे प्रकरण में खात्मा लगाने के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि जब वह थाने पहुंचा तो प्रकरण के विवेचक प्रधान आरक्षक के द्वारा उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं फरियादी के साथ थाने के भीतर हुई यह घटना उसके मोबाइल कैमरे में कैद हो गई, जिसे पीड़ित ने न सिर्फ पुलिस अधिकारियों को दिया बल्कि सोशल मीडिया में भी वायरल कर दिया है। फिलहाल वीडियो वायरल होते ही एसपी ने प्रथम दृष्टया प्रधान आरक्षक को सस्पेंड कर पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस के पक्ष से यह भी बात सामने आ रही है कि फरियादी द्वारा प्रकरण की विवेचना कर रहे प्रधान आरक्षक को तरह तरह से न सिर्फ परेशान किया जा रहा था बल्कि उसे गालियां भी दी गई, जिससे आक्रोशित होकर प्रधान आरक्षक ने न सिर्फ अपना आपा खो दिया बल्कि वह मारपीट कर बैठा। हालांकि घटना के पीछे की असली वजह क्या है यह जांच का विषय है और जांच के उपरांत ही घटना की वजह सामने आ सकेगी। फिलहाल एसपी ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।